आज मैं बता रही हूँ आपको डिज़ाइनर स्टाइल नेक डिज़ाइन। तो यहाँ देखें जो इसमें साइडों में बॉर्डर दिए हुए होते हैं, अर्स के साइड में जो बॉर्डर दिए होते हैं उसी से इसको तैयार करेंगे हम, और यहाँ पे इसमें लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें हमारे पास शर्ट कटिंग हुई हुई है, तो ये इसका फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो यहाँ से हम इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि हमें फ्रिजिंग पे बनाना है गला। देखें इस तरह से हमारे पास ये फ्रिजिंग पेपर है और इसको हम यहाँ पे इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। तो ये मैं 5 इंच चौड़ी इस तरह से सेपरेट कर लेती हूँ पहले फ्रिजिंग को। ये डबल में इस तरह से 5 इंच चौड़ी हम इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से पहले सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से नेक की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे और यहाँ से गले की जो लेंथ है वो हम 4 इंच रखेंगे। यहाँ पे पहले बॉक्स बना के इसको अच्छा सा राउंड ले लेंगे। यहाँ से निशान लगाएंगे हम तकरीबन 8 इंच पे। तो ये हमारे पास लेंथ आ रही है 8 इंच। तो 8 इंच के अंदर हम इसका हाफ करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ आधे इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमें यहाँ से इस तरह से मिलाना है थोड़ा राउंड देके, और जिस तरह हमने ऊपर से इसको मिलाया है इसी तरह यहाँ पे इसको भी इस तरह से मिला देंगे। अब 1 इंच जितना यहाँ पे, बल्कि 1 इंच से भी हम यहाँ पे कम ही रखेंगे इसको। तो आधे इंच के अंदर 2 पॉइंट और लेंगे और इस तरह इसको पूरा मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इतना लिया है, ये आधा इंच ये होता है और 2 पॉइंट और लिए मैंने इसके। 1 इंच के अंदर ज़्यादा बुरा लगेगा ये चौड़ा बना हुआ। अब इसी तरह यहाँ से भी पूरा इसी तरह से इसको मार्क कर लेते हैं। अभी हमने पूरी मार्किंग कर ली है, अब इन सब निशानों को मिला देंगे। इस तरह हमने यहाँ पे नेक की कटिंग कर ली है, ये हमारा कुछ इस शेप में आएगा। तो इस तरह मेरे पास ये बॉर्डर वाला कपड़ा है, अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह डबल करूँगी, डबल करके और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये जो मुझे डिज़ाइनिंग करनी है सिर्फ बॉर्डर के एरिया में ही करनी है। बॉर्डर की पट्टी को मैंने सेंटर में सिलाई लगा के दोनों को मिला लिया है। तो यहाँ से देखें सिलाई भी हमने खोल दी है इसकी। अब इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पर हमें इसको इस तरह से रखते हुए इसके साथ प्रेस करके चिपका लेना है। अब यहाँ से देखें ये चीज़ कम आ रही है, तो यहाँ से ये कटिंग करूँगी मैं, ये वाला जो राउंड वाला हिस्सा निकलेगा इसको कटिंग करके फिर मैं यहाँ पे इसके साथ लगाऊँगी। तो अभी यहाँ तक का मैं इसको इस तरीके से पहले फिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको इसके साथ चिपका लिया है, और यहाँ से मुझे जिस तरह मैंने यहाँ पे लिया है ये पूरा डिज़ाइनिंग ली है बॉर्डर की, तो मुझे गले में भी इसी तरह यही वाली बॉर्डर लेनी थी। तो मैंने यहाँ से गले को कटिंग किया, कटिंग करके जोड़ लगा के इसको भी इसके साथ लगा दिया है। तो यहाँ पर सिलाई जितना मार्जिन देते हुए यहाँ से कटिंग करके निकाल लेंगे। लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था और मुझे डिज़ाइनिंग भी करनी थी, तो इस वजह से मैंने ये जोड़ लगाया। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो ये जोड़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके के साथ पूरा इसके साथ बैठा देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से पहले मैं इसको पूरा बैठा देती हूँ। पूरा इस तरीके से हमने बैक साइड की तरफ इसको टर्न कर दिया है, और अब यहाँ पर हमें इसको शर्ट के साथ फिक्स करना होगा। तो यहाँ पहले मैं शर्ट के अंदर एक क्रीज बना लेती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से पहले मैं एक क्रीज बना लेती हूँ सेंटर में। तो ये शर्ट का देखें उल्टा साइड है हमारे पास, तो ये शर्ट का उल्टा साइड है। इसी तरह हमने यहाँ गले को भी इस तरह उल्टा साइड पे रखा है। तो जब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे तो फिर हमें सीधे साइड पे इसको टर्न करना होगा। तो यहाँ से पहले मैं इसको पिनअप कर लेती हूँ। अब ये सेंटर से हम बिल्कुल जो हमने क्रीज डाली है इस क्रीज के साथ इसको लाइन को हम मिलाएंगे, और इसको भी यहाँ पर इस तरह से पिनअप कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पिने लगाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे बस हमने इतनी पिने लगा ली है, तो ये हमारा अच्छे से इसके साथ फिक्स हो। मैं इसको सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगा के फिर इसको सीधे साइड पे टर्न कर दूँगी। तो सिलाई हमें बिल्कुल इसके बुकरम के साथ साथ लगानी होगी, यहाँ पे हमें साथ साथ लगानी है। अब यहाँ से हम इसको इसके साथ साथ कटिंग करके इसको बाहर निकाल लेंगे कपड़े को।
हम बिल्कुल नोक तक कट लगाएंगे बहुत ही एहतियात के साथ। इसी तरह यहाँ से भी इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे और यहाँ पे भी नोक पे कट लगा लेंगे और ये गले के राउंड में इस तरह कट लगा लेंगे। अब इसको सीधे साइड पे टर्न कर देंगे इस तरह से। तो ये कैंची की नोक की मदद से इसको मैं बिल्कुल एहतियात के साथ निकालूंगी, तो ये आराम से बाहर आ जाएगी इस तरह नोक। तो यहाँ मैंने इसको इस तरह से अच्छी तरह से जमा लिया है और अब मैं यहाँ पे इसके अंदर ये वाली बेल लगाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पे इसकी ये वाली लेस को इसके साथ लगाऊंगी। लेस को इस पे लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे लेस को और इसके यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो इसको लेस को इस तरह दबाते जाएंगे और यहाँ पे हम किनारे पे इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए लेस लगा के इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दिया है इसके साथ। अब यहाँ पे ये बीच की जगह आ रही है, इसके अंदर हमें यहाँ कपड़ा लगाना होगा। तो यहाँ पे ये देखिए बुकरम में जो हमने बीच में से गला निकाला था जब बुकरम की कटिंग करी थी, तो ये वही पीस है। तो इसको रखते हुए हमें यहाँ पे इस तरह ये एक्स्ट्रा बुकरम ये भी गले के अंदर से निकली हुई थी, तो हम एक्स्ट्रा बुकरम नहीं ले रहे, उन्हीं पीसों को यूज़ कर रहे हैं इसमें से। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह रखेंगे, रख के यहाँ पे इसको इतना तकरीबन आधे से पौने इंच इसको एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि ये बैक साइड पे आराम से सिलाई में दब जाए। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, जैसे यही शेप रखेंगे और ऊपर से हमें सीधा रखना होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसको रखेंगे हम। तो अभी मैं यहाँ पे इसी साइज़ का निकाल के दिखा रही हूँ, फिर आपको गले पे रख के दिखाती हूँ। तो ये बुकरम जो हमने निकाली है ये हमने इसको कवर करने के लिए निकाली है। तो यहाँ से हम एक इंच जितना छोड़ देंगे। देखिए इस तरह ट्राउज़र का कपड़ा है, इसको भी इसके साथ फिक्स कर लेते हैं। देखिए इसके बराबर बराबर इसको कटिंग करके निकाल लूँगी मैं। अब ये हमें इस तरह से इस पर मोड़ना होगा। तो यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए इसको भी सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से हम गले को इस तरह डबल बनाएंगे और यहाँ से एक इंच का हम निशान लगा लेंगे दोनों में बराबर का। तो यहाँ से चौक से हम मार्क कर लेते हैं इसको। इस तरह ये दोनों पे निशान आ गए। अब ये वाला कपड़ा जो है, जो हमने पट्टी तैयार करी है, इसको भी यहाँ से हम इस तरह से करके सेंटर बना लेते हैं। इसको यहाँ पे हम इस तरह रखेंगे, ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान को यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे अभी पिनअप कर लेंगे हम। इसी तरह यहाँ पे भी इसमें इसको पिनअप कर लेंगे। तो बीच का जो मार्जिन होगा ये तकरीबन हमारा 1.5 इंच का होगा। तो यहाँ देखें पहले हमने इसको पिनों से सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे और सिलाई हम बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे और पूरे में इस तरह से सिलाई को घुमा देंगे। तो ये देखें हमारा नेक डिज़ाइन बनके तैयार है। तो ये देखें इसको फ्रंट साइड से और ये बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है। तो यहाँ से जो इसकी एक्स्ट्रा बुकरम है इसको कटिंग करके हम हटा देंगे। तो ये नेक डिज़ाइन हमारा तैयार है।